इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट, ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। समस्त कर्मचारियों के लिए शानदार अपडेट, कर्मचारी की बनी आवाज, जाने क्या है अपडेट। ऑफ्स आंदोलन पहुंचा शोध छात्रों की थीसिस तक। दिल्ली के एक पीएचडी स्कॉलर ने हमारे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को अपने शोध मानवाधिकार आदर्श से यथार्थ तक में जगह दी है। शोधार्थी को पीएचडी अवार्ड होने की बहुत बहुत बधाई। मानवाधिकार आदर्श से यथार्थ तक नेशनल पेंशन स्कीम बनाम ओल्ड पेंशन योजना का सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन। 2004 में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को बदलकर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई। एनपीएस के विरोध करने के लिए और ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने के लिए डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में मिशन ओपीएस इंडिया, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथ मिलकर इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए विनोद यादव और सुधीर रूपजी के सहयोग से सोशल मीडिया नेटवर्क मंच के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों को एकजुट और एक मंच पर साथ लाकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया और इसके प्रभाव से कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के आश्वासन देने के बाद चुनावों में जनादेश प्राप्त किया। केंद्र सरकार भी 2024 में होने वाले आम चुनाव में इस आंदोलन के महत्व को समझती है और इसके लिए एक समिति गठित की गई और इस आंदोलन के महासचिव डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल को आर्थिक सलाहकार समिति ने इस मामले पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। वर्ष 2022 में आउटलुक मैगजीन ने डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल को 22 चेंज मेकर ऑफ इंडिया में कवर पेज पर स्थान भी दिया। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि में इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज सभी सरकारी कर्मचारियों को इस आंदोलन की सभी गतिविधियों और कर्मचारियों के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर अपडेट किया जाता रहता है। जल्द ही इस आंदोलन के सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद कर सकते हैं।